Good morning, students. Welcome to social science class. Today we will start with chapter number 4 of history, the Mughal Empire. In this chapter, we will learn about the Mughals, 6 great Mughal emperors, their techniques, administrator, brave warriorness, and political legacy. हम इस chapter में Mughals के बारे में पढ़ेंगे. Mughals कहाँ से आए थे, क्यों आए थे, किसने बुलाया, और इनके जो फर्स्ट 6 जो योद्धा रहे, वॉरियर्स जो रहे, जो एम्परर्स थे, उनके बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन. द मुगल्स एस्टेब्लिश्ड अ ह्यूज एम्पायर. जो मुगल्स थे, इन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाया. दे वर गुड एडमिनिस्ट्रेटर, ब्रेव वॉरियर्स एंड पॉलिटिकल लीगेसी. ये जो थे मुगल्स जो थे, इनका एडमिनिस्ट्रेटर बहुत स्ट्रांग था, बहुत ही ज़्यादा अच्छी इनकी जो टेक्निक्स थी ये वो थी. ये बहुत ज़्यादा ब्रेव वॉरियर्स, वॉरियर्स मीन्स योद्धे जो लड़ाई करते हैं युद्ध में, ये बहुत अच्छे योद्धे भी थे. और इनकी पॉलिटिकल लीगेसी जो थी वो भी बहुत अच्छी थी. टाइम टू टाइम जो इनके राजा आते गए, बाबर आया, हुमायूं आया, अकबर आया, इन्होंने अपने अकॉर्डिंग इन पॉलिसीज़ को मॉडिफाई किया. और पहले जो इनकी पॉलिटिकल लीगेसी थी वो उससे ज़्यादा इम्प्रूव होकर अच्छी हो गई. मैनी सोर्सेज ऑफ मेडिवल हिस्ट्री प्रूव दैट द रॉयल मुगल एम्परर्स वर ट्रूली इंटरेस्टेड इन कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ देयर अचीवमेंट्स एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ देयर रीजन्स. जो मुगल एम्परर्स थे, इन्हें हमें मेडिवल सोर्सेज, मेडिवल हिस्ट्री के सोर्सेज से पता लगा कि जो मुगल एम्परर्स थे ये बहुत ही ज़्यादा शौकीन थे किस चीज़ के, अपने थ्रू की गई अचीवमेंट्स और जो इन्होंने डेवलपमेंट्स की थी उनके रिकॉर्ड्स रखवाने के लिए. हमें ऑटोबायोग्राफीज सच एज, हमें 2 ऑटोबायोग्राफीज इस टाइम पीरियड में मिलती हैं जो कि हमें मुगल एम्परर्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है वो नॉलेज देती हैं. फर्स्ट है हमारा बाबरनामा एंड सेकंड इज़ जहांगीरनामा. आर 2 ऑटोबायोग्राफीज, ये 2 ऑटोबायोग्राफीज हैं जिनके बारे में हमें पता लगता है मुगल एम्पायर के बारे में. सो अब हम यहाँ पर मुगल लाइनेज देख लेते हैं. लाइनेज मतलब कि किसके बाद कौन सा योद्धा या कौन सा राजा बना, कौन सा राजा आया मुगल एम्पायर में. फर्स्ट हैं बाबर. बाबर का टाइम पीरियड आपको दिया हुआ आगे 15 to 26 to 15 to 30 ईयर. तो ये जो है इनका बाबर का टाइम पीरियड है. ये इनका टाइम पीरियड जो है, मैं आपको बार बार यही रिपीट करती हूँ कि इनके आगे जो ये ईयर्स लिखे होते हैं, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ टू लेके टिल डेथ तक का टाइम नहीं है. ये इनका टाइम है, ये कब शासन में आए वो डेट है, और उसके बाद इनका शासन कब ख़त्म हुआ या इनकी डेथ कब हुई, ये लास्ट डेट वो होती है. ठीक है. नेक्स्ट बाबर के बेटे आए हुमायूं. हुमायूं जो थे उनका टाइम पीरियड दिया 15 to 30 to 15 to 56 तक. आज हम बाबर और हुमायूं के बारे में ही पढ़ेंगे. अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगज़ेब, इनके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद बाबर. बाबर की पिक्चर आपको दी हुई है. बाबर वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर. ये जो बाबर था ये सबसे पहला मुगल एम्परर था. ही वॉज बोर्न इन फरगान इन सेंट्रल एशिया. बाबर जो थे इनका बर्थ हुआ था फरगान में. ये सेंट्रल एशिया में बहुत ही छोटा सा कस्बा था. ही वॉज ओनली 12 ईयर दैट ही बिकेम द रूल ऑफ फरगान इन 1491. जो बाबर थे 12 ईयर के थे, बहुत ही छोटी एज थी जब ये फरगान को इन्होंने रूल किया और फरगान के राजा बने. इन 1504 ही कॉन्क्वर्ड काबुल. इन्होंने 1504 में काबुल को कॉन्क्वर्ड किया और उस पर अपना ज़बरदस्ती शासन जमाया. द लोकल लोदी रूलर्स. यहाँ तक तो हमने बात की कि मुगल जो बाबर थे, बाबर का इंट्रोडक्शन हुआ, कहाँ बर्थ हुआ, उन्होंने क्या किया अपने बर्थ तक. 1504 तक उन्होंने काबुल पर अपनी जीत हासिल कर ली थी. नाउ अब हम बात कर रहे हैं कि बाबर जो था यहाँ पर शासन में आया. बाबर यहाँ शासन में किस वजह से आया, लोकल जो लोदी रूलर्स थे इनकी वजह से बाबर जो है इंडिया में आया. द लोकल लोदी रूलर्स रिक्वेस्ट, उन्होंने उसको रिक्वेस्ट किया एंड सेंड अ मैसेज, और उसको मैसेज सेंड किया बाबर को कि क्या मैसेज सेंड किया, टू कम इंडिया एंड डिफीट द लोदीज. उन्होंने जो लोकल लोदी रूलर्स थे इन्होंने बाबर को रिक्वेस्ट की और मैसेज भेजा अपने गुप्तचर के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू, कि आप इंडिया में आए और आकर यहाँ पर शासन करें और लोदीज जो थे उन्हें हराएं. कभी भी जब कोई एक शासन, कोई एक राजा राज कर रहा है
और उसके टेक्निक से उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटर है उससे जब प्रजा खुश नहीं होती, यानी कि उसके किंगडम के जब पीपल खुश नहीं होते, तो वो कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट हो जाते और चाहते कि कोई और यहाँ पर आए और इसे हरा दे। इसी तरह सेम लोधी डायनेस्टी में हुआ। लोधी के जो लोकल रूलर्स थे उन्होंने बाबर को रिक्वेस्ट किया, तो बाबर इंडिया आया। बाबर जब इंडिया आए तो सबसे पहले क्या हुआ, अब कोई भी राजा अपनी गद्दी इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ता, उसे उसके लिए युद्ध करना पड़ता है। या तो वो उस युद्ध में उस अपने ओपोनेंट को हरा देता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है जो वहाँ का राजा है, तभी वो उसका शासन अपना सकता है। अब जब बाबर यहाँ आए तो बाबर के आने के बाद सबसे पहली जो वो हुई वॉर हुई वो थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की पहली लड़ाई हुई इसके अंदर, ये 1526 में हुई। बाबर फेस इब्राहिम लोधी, यहाँ पर बाबर ने इब्राहिम लोधी को फर्स्ट टाइम फेस किया इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुई, ठीक है। द लोधीज आर्मी वॉज ह्यूज, लोधी जो इब्राहिम लोधी था उसकी आर्मी बहुत बड़ी थी, बट बाबर हैड अ गुड कैवलरी विच हैड फोर्ट मैनी वॉर्स। जो है यहाँ पर बाबर जो था उसके पास इतनी बड़ी आर्मी तो नहीं थी, बट उसके पास जो कैवलरी थी वो बहुत बड़ी होती है। अब इसका मीनिंग क्या होता है कैवलरी का, कैवलरी मीन्स होता है जब हम युद्ध देखते हैं तो उसमें कुछ मूवीज़ में हमने देखा है या रामायणा में भी हमने देखा है, जब लड़ाई होती है तो कुछ जो होती है फोर्स जो होती है वो घोड़ों पर बैठी होती है। जो सेना घोड़ों पर बैठकर लड़ाई करती है उसे कैवलरीज बोलते हैं, ठीक है। तो बाबर के पास कैवलरीज जो थी बहुत स्ट्रांग थी और उनकी टेक्निक्स बहुत अच्छी थी, जिस वजह से उन्होंने काफ़ी सारी वॉर्स जो है वो जीती। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी एंड कंक्वर्ड दिल्ली एंड आगरा। फाइनली बाबर ने इब्राहिम लोधी को बहुत ही आसानी से जीत लिया और उसने दिल्ली और आगरा पर अपनी जीत हासिल की। किसने? बाबर ने। नाउ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद आती है द बैटल ऑफ खानवा। खानवा की बैटल आई, इसके अंदर 1527 में टुक प्लेस बाबर फोर्ट हिज बैटल विद राणा संगा ऑफ मेवाड़। अब यहाँ पर बाबर ने राणा संगा जो थे उसके साथ मेवाड़ के वहाँ पर लड़ाई की, इन्होंने इनको भी इजीली हरा दिया। टू ईयर्स लेटर ही ऑल्सो डिफीटेड द अफगान चीफ एट घाघर, उन्होंने घाघर में अफगान के जो चीफ थे उसे भी 2 साल के अंदर अंदर हरा दिया। बाबर की टेक्निक्स इतनी अच्छी होती थी लड़ाई की कि उन्होंने शॉर्ट स्पैन ऑफ 4 ईयर्स में, 4 सालों के छोटे से टाइम पीरियड में अपना एक बहुत बड़ा एम्पायर जो था वो बना लिया। और जो है टेरिटरीज थी हिमालय से लेके ग्वालियर और इंडस से लेके बिहार, हिमालय से लेकर ग्वालियर तक और इंडस से लेके बिहार तक की जो उन्होंने जो टेरिटरीज थी अपने अंडर बाबर ने ले ली। नाउ हिज पोजीशन वॉज सिक्योर्ड इन नॉर्थ, इतना कुछ करने के बाद जो बाबर था उसकी जो पोजीशन थी वो नॉर्थ में सेव हो गई और बाबर 1530 में उसकी डेथ हो गई। बाबर के बाद रूल में आए हुमायूं जो थे बाबर के एल्डर बेटे थे। हुमायूं का असली नेम क्या था? नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, इसका ये नाम था, हुमायूं का रियल नेम ये था। द नेम हुमायूं मीन्स लकी बट इन रियलिटी हिज लाइफ वॉज फुल ऑफ प्रॉब्लम। हुमायूं जो वर्ड है, हुमायूं का एग्जैक्ट मीनिंग जो है, हुमायूं का एग्जैक्ट मीनिंग है लकी, बट ऐसे हमें ऑटोबायोग्राफीज में हमें रिकॉर्ड्स मिले कि अपने नाम के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल ही उनकी लाइफ में सब कुछ ऑपोजिट हुआ। उनकी लाइफ जो थी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम से भरी हुई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे उनकी लाइफ में। हुमायूं हैड 3 ब्रदर्स, हुमायूं जो थे उनके 3 ब्रदर्स थे, कामरान, हिंदल एंड अस्कारिया। 3 ब्रदर्स थे और तीनों इनसे इनके सपोर्ट में नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि इनके अंडर बहुत ही छोटा लैंड पीस जो था, लैंड जो एरिया था वो इनके शासन के अंदर दिया गया था। एज अ रूलर ही फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, यहाँ पर हम हुमायूं के बारे में बात कर रहे हैं। हुमायूं जो थे रूलर जब वो शासन में थे तो इन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया। He did not get actual support of his brother. उन्हें अपने brothers का actual support नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? Because वो unhappy थे बाबर से,
विद द स्मॉल एरिया अंडर देम, क्योंकि उनके अंडर जो रूलिंग एरिया था वो बहुत ही छोटा था, इस वजह से वो अपने भाई से ना खुश थे, हुमायूं से, इस वजह से वो अपने ब्रदर को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। हुमायूं लाइफ कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री फेसेस, यहाँ पर हुमायूं जो थे इनकी लाइफ थ्री फेसेस में डिवाइड है, हम वो देखते हैं। फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज। फर्स्ट फेज जो थी 1530 to 1540, ऑलमोस्ट 10 years का टाइम था। द सेकेंड फेज 40 to 45, 5 years का टाइम था, 1540 to 1545। नेक्स्ट थर्ड फेज जो था 1545 to 1555, यानी कि 5 years। लास्ट 1555 में हुमायूं की डेथ हो गई थी। फर्स्ट हम देखते हैं हमारा फर्स्ट फेज जो इनका स्ट्रगलिंग टाइम था, हम वो देखते हैं। फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ में ही फेस स्ट्रगल अगेंस्ट शेरशाह सूरी, जो हुमायूं थे इन्होंने शेरशाह सूरी के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा मेहनत की, लड़ाई की, बहुत स्ट्रगल किया। एंड बहादुर शाह ऑफ गुजरात, शेरशाह जो थे वो बिहार के रूलिंग उस टाइम रूलर थे, एम्परर कह सकते हैं, और बहादुर शाह जो थे वो गुजरात के थे एम्परर। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, तो जब हमें जब इन दोनों को पता लगा कि हुमायूं के ब्रदर हुमायूं के फेवर में नहीं है, तो इन्होंने हुमायूं का जो एरिया था, जिस पर जो दिल्ली थी, जिस पर हुमायूं राज कर रहा था, उसको हथियाने की कोशिश की, अनेक्स्ट करने की कोशिश की, ठीक है। तो एक सामने वाले पर्सन को एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये मौका मिल जाता है कि इसके अपने ही जो ब्रदर्स हैं या जो इसके अपने ही राज में जो लोग हैं इसके साथ नहीं है, तो हम इसे आसानी से हरा सकते हैं। यही चीज़ हुई हुमायूं के साथ, शेरशाह सूरी और बहादुर शाह ने ऐसा कुछ ही किया। 1532 हुमायूं वोन एंड कैप्चर्ड गुजरात एंड मालवा आफ्टर डिफीटेड बहादुर शाह एंड शेरशाह सूरी। बहादुर शाह हुमायूं ने क्या किया, 1532 में इन्होंने गुजरात लड़ाई जीत ली, गुजरात और मालवा को अपने अंडर ले लिया। बट शेरशाह सूरी ने और बहादुर शाह ने इन्हें इतना टाइम नहीं दिया कि ये अपने एम्पायर को दोबारा से एकदम देख सके, लड़ाई होने के बाद दोबारा रेडी रहे दूसरी लड़ाई के लिए। इतने में शेरशाह सूरी ने और बहादुर शाह ने दोनों ने ही, बहादुर शाह और शेरशाह सूरी ने दोनों ने ही हुमायूं पर दोबारा से अटैक किया। लेट्स सी, बट हुमायूं हैड नो टाइम टू कंसोलिडेट हिज एम्पायर। शेरशाह सूरी अगेन अटैक्ड हुमायूं एंड डिफीटेड हिम। अभी उसको इतना टाइम ही नहीं मिला था, किसको, हुमायूं को भी इतना टाइम ही नहीं मिला था कि वो उसने अपने जो शासन अभी उसने हथियाए हैं जो जीते हैं मालवा और गुजरात, इस पर अपनी गुड पोजीशन बना सके। इतने ही टाइम पीरियड में इसने, शेरशाह सूरी ने और बहादुर शाह ने दोबारा से हुमायूं पर अटैक किया। अब सेकंड फेज देखते हैं, सेकंड फेज में क्या था। द अफगान किंग एनेक्स्ड इज एम्पायर एंड ड्रोव हुमायूं आउट ऑफ द किंग। जो यहाँ शेरशाह सूरी थे, अफगान का किंग था, इसने क्या किया, हुमायूं पर हुमायूं को दोबारा से हराकर उसे उसी के राज में से भगा दिया और निकाल बाहर किया। हुमायूं बिकेम अ रिफ्यूजी एंड एस्केप टू पर्शिया। हुमायूं जो थे वहाँ से छुप के भाग गए, वहाँ से चले गए और पर्शिया में जाकर वहाँ पर सेटल हुए। ही स्पेंड द नेक्स्ट 15 years, उन्होंने वहाँ पर अपने 15 साल जो थे हुमायूं ने पर्शिया में स्पेंड किए, और इस टाइम पीरियड में उन्होंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि मुझे दिल्ली पर दोबारा जीत हासिल करनी है। इन 15 years में हुमायूं ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया। अब हम थर्ड फेज की बात करते हैं। दैट टाइम हुमायूं मेड काबुल हिज बेस एंड ही मेड प्रिपरेशन टू रिकवर द लॉस्ट। यहाँ पर जब 15 years का टाइम है, उन्होंने काबुल में जाकर अपना स्पेंड किया, पर्शिया में जो है, और दैट टाइम हुमायूं मेड काबुल हिज बेस, अपना बेस उन्होंने काबुल को बनाया। एंड ही मेड प्रिपरेशन टू रिकवर द लॉस, जितना भी उन्हें लॉस हुआ, लॉस क्या हुआ, उनके हाथों से दिल्ली भी चली गई और जो उन्होंने मेवाड़ और आगरा का जो पार्ट जीता था, सॉरी गुजरात और मेवाड़ का जो हिस्सा जीता था, वो भी उनके हाथों से चला गया।
तो इन 15 ईयर्स के टाइम पीरियड में हुमायूं ने अपने आप को प्रिपेयर किया अपना पूरा जो लॉस था उसको रिकवर करने के लिए. शेरशाह हैड डाइड एंड हिज सक्सेसर वर वीक. शेरशाह सूरी जो था यहाँ पर अभी तक जो था उसकी डेथ हो चुकी थी और उसके जो सक्सेसर्स थे वो बहुत ज़्यादा वीक थे एज कम्पेयर टू शेरशाह सूरी. फाइनली हुमायूं वॉज सक्सेसफुल एंड गॉट बैक द थ्रोन ऑफ दिल्ली. उसके शेरशाह सूरी की डेथ के बाद जब जैसे ही उसको पता लग गया हुमायूं को कि शेरशाह सूरी की डेथ हो गई है, उसने दोबारा से दिल्ली पर अटैक किया और दिल्ली का सिंहासन दोबारा से हासिल कर लिया. गॉट बैक द थ्रोन ऑफ दिल्ली, उसने दिल्ली का जो शासन था दोबारा हासिल कर लिया. बट लेकिन क्या हुआ, बट ही डिड नॉट सर्वाइव लॉन्ग आफ्टर दिस. दिल्ली पर दोबारा जीत हासिल करने के बाद भी वो इस जीत को ज़्यादा देर तक हासिल नहीं कर पाया या इन्जॉय नहीं कर पाया. क्यों? ही फेल डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स. वो अपनी स्टेयर्स से गिर गया, लाइब्रेरी की स्टेयर्स से गिर गया और उसकी हुमायूं की जो थी वो डेथ हो गई. बट ही डिड नॉट सर्वाइव लॉन्ग आफ्टर हिज आफ्टर दिस. दिल्ली पे जीत हासिल करने के बाद वो ज़्यादा समय तक इस जीत को सेलिब्रेट नहीं कर पाया. क्यों? क्योंकि अचानक से उसकी डेथ हो गई. वो अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर गया था और उसकी डेथ हो गई. इतना ही टाइम पीरियड जो था हुमायूं के अंडर था, 1530 to 1540 एंड 1555 to 1556. 1556 जो है वो इसकी डेथ डेट है. अभी हमने आज की क्लास में बाबर के बारे में पढ़ा. बाबर ने जो बैटल्स जीती, द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ खानवा, और 4 साल के अंदर उसने अपनी जो दिल्ली की इंडिया की जो टेरिटरीज थी हिमालय से ग्वालियर तक की और इंडस रिवर से लेके बिहार तक की, इस टेरिटरीज पर अपना पूरा कंट्रोल लिया और नॉर्थ में अपनी पोजीशन को सिक्योर कर लिया. ये पढ़ा हमने बाबर के बारे में. हुमायूं के बारे में भी हमने पढ़ा कि इसके 3 ब्रदर्स थे, वो तीनों से ना खुश थे और इसके सपोर्ट में नहीं थे क्योंकि उनको बहुत ही छोटा सा हिस्सा मिला था शासन के लिए, है ना. और हमने हुमायूं की लाइफ के 3 फेसेस भी हमने देखे कि किस तरह से उसने स्ट्रगल किया और एट लास्ट उसकी डेथ कैसे हुई. बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे.